करते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी में इंसदाद डेंगू के लिए महकमे सेहत रावलपिंडी की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से क्या खसूसी इकदाम किए जा रहे हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे फाद इल्ताफ से। जी फाद इल्ताफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि डेंगू की सूरत हाल के हवाले से इंतजामिया भी काम कर रही है, लेकिन डेंगू की वबा जो है बढ़ती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीओ हेल्थ, उनसे पूछते हैं कि डेंगू की रोकथाम के हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं, और खास तौर पर डेंगू के केसेस के हवाले से वो कुछ आगाह करें कि डेंगू के केसेस किस हद तक पहुँच चुके हैं और महकमा हेल्थ की टीम क्या कार्रवाइयाँ कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्र गुजार हैं हम। एक्चुअली मतलब ये कि लास्ट ईयर की मतलब उसमें ना इस दफ़ा हम थोड़ा सा बेहतर जा रहे हैं। लास्ट ईयर मतलब जैसे कि हमारा जो तादाद था वो आज की तादाद से डबल था। इससे ये साबित होता है कि हमारी टीमें भी काम कर रही हैं, हम भी काम करें, अलाइड डिपार्टमेंट भी काम करें। अब जैसे कि मतलब मैं एज अ सीओ सुबह को 5:30 बजे निकलता हूँ, और मतलब ये वहाँ जो सुबह की फॉगिंग होती है, कारपेट फॉगिंग सारी, वो मैं खुद अपने सामने खड़ा होकर मतलब जहाँ पे हमें मतलब ये होता है कि खदशाते हैं, तो वहीं उसको हम ये टारगेट मतलब करते हैं, और ये हमारी मतलब ये कि पूरी मतलब कंप्लीट फॉगिंग मतलब करवा के फिर मैं फील्ड में निकलता हूँ। और ये कि जब मैं होता हूँ फील्ड में तो मेरे साथ मेरे जितने डिप्टी DHOs हैं या जो DHO PS है, हम सारे फिर ये कि एक दूसरे को ये मतलब टाइप करते हैं कि जी आप किधर हो, आप किधर हो, आप किधर हो। इस दफ़ा हमने चीज़ों को काफ़ी मतलब रेशनलाइज किया है ना, और इश्यू को बिल्कुल ये टारगेटेड जैसे होता है ऑपरेशन हमने मतलब इस तरह किया है। आज की डेट में जैसे कि मतलब पेशेंट मतलब जो कल पेशेंट हुए वो हुए हैं 50 हैं, उसमें मतलब शुक्र है कि कोई इतना मतलब क्रिटिकल नहीं है। 4-5-6 पेशेंट हैं, लेकिन वो भी ये कि मतलब तकरीबन ये बेहतर ही हैं। तो सर ये हमारी तरफ से तो बिल्कुल ये कि यूँ समझें कि दिन रात ही काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह ये कि हम इसी को आगे बढ़ने नहीं देंगे। सर आप सरप्राइज विजिट करते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का? जी बिल्कुल, मेरी सरप्राइज ये कि विजिट भी होती है, मैं काफ़ी BHOs पे जाता हूँ, और मेरी जो ये कि मॉर्निंग वाली विजिट होती है मैं आजकल वो शाम को कर रहा हूँ, रात को कर रहा हूँ, क्योंकि मॉर्निंग मैंने मतलब मैंने आपका जो मुख्तलिफ जो अमला है उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए अटेंडेंस के हवाले से कि फील्ड में काम करें, क्योंकि आपने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया हुआ। बिल्कुल सर, वो मतलब ये है कि मतलब मैं कोई भी सुबह को 3 ये UCs ये मतलब रात को ये टारगेट करता हूँ। सुबह को 8 बजे जाके मतलब जब अपने ये वॉकिंग से निकलता हूँ तो सुबह को अपने जो टारगेट पर जाता हूँ, तो वहाँ पे जाके मैं अटेंडेंस खुद अपने सामने देखता हूँ। जो बंदा मौके पे ये नहीं होता तो मैं फौरन एक्शन लेता हूँ, और मैंने बहुत से बंदों के खिलाफ एक्शन भी लिया। जी आपने यहाँ पे सीओ हेल्थ की बात सुनी, उनका ये कहना है कि फील्ड में जाके खुद वो यहाँ पे मुआयना भी करते हैं फॉगिंग के हवाले से। सुबह सवेरे फॉगिंग की जानब तकरीबन रावलपिंडी भर में जो एरियाज में फॉगिंग हो रही है वहाँ उसका भी मुआयना करते हैं। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल का भी दौरा करते हैं। इनका ये कहना है कि पिछले साल की मुनस्बत डेंगू के हवाले से इस वक्त शरह जो है वो कम है। इनका ये भी कहना है कि साथ साथ मुख्तलिफ मीटिंग्स जारी हैं डेंगू की रोकथाम के लिए, महकमा हेल्थ जो है वो अपनी जो अहम कार्रवाइयाँ जारी रखे हैं। जी